सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। बीते दिनों में अस्पतालों की लापरवाही के कई मामले सामने आने के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर अस्पतालों के कुछ गाइडलाइंस और सुधार जारी की है। इसे IMA का हेल्थ केयर सेक्टर में क्राइसिस कंट्रोल माना जा रहा है। 31 नियमों की इस लिस्ट में ओवरचार्जिंग, जरूरत से ज्यादा टेस्ट लिखना, मरीजों को बेड की उपलब्धता से लेकर हर सर्विस की सही कीमत की जानकारी देना, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार ट्रांसजेंडर पॉलिसी लाना तक शामिल है। IMA के प्रेसिडेंट KK अग्रवाल के मुताबिक अस्पतालों की मुनाफाखोरी में बदलाव लाने की जरूरत है। ये नियम बिल्कुल नई तरह के नहीं है, लेकिन इनकी मदद से करप्शन और कदाचार को रोकने में मदद करेंगे। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अस्पतालों की लापरवाही से सब नाराज हैं और इसके बाद लोगों की डॉक्टरों के बारे में अच्छी राय नहीं है, इसमें बदलाव की जरूरत है। इन गाइडलाइनों को जारी होने के बाद मरीजों को काफ़ी आसानी होगी। इनके मुताबिक अस्पतालों को मरीजों को बताना होगा कि उनकी तरफ से सुझाए गए टेस्ट मरीज के लिए क्यों जरूरी है। अस्पताल को बताना होगा कि किस वार्ड की सुविधा कितनी कीमत पर उपलब्ध है। जरूरतमंद मरीजों को सर्विस और सुविधाओं की जानकारी देने के लिए एक टीम होगी। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।